हरियाणा के कैथल में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने नया पदभार संभालते ही रात्रि के समय के 65 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर उनकी जगह 40 नए कर्मचारियों को भर्ती कर लिया है, जिस कारण गरीब और बेरोजगार कर्मचारियों के बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया गया और आज वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन के आवास की है, जहां हटाए गए सफाई कर्मचारी फिर से नौकरी पर रखने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो पहले भी कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसलिए अपनी मांगे मनवाने के लिए कर्मचारियों को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। सफाई कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो और बड़ा आंदोलन करेंगे। चेयरमैन जो उसके हाउस पे प्रदर्शन कर रहे हैं और मजबूरन ही प्रदर्शन करना पड़ा। हमने बहुत बार कह चुके थे कि चेयरमैन साहब हमें ड्यूटी पे रखें, हम रात्रि के 65 कर्मचारी है, लेकिन 65 में से इन्होंने 20 बंदे ड्यूटी पे रखे, 40 बंदे इन्होंने अपने अपने लगा लिए। हम इनको कहना चाहते हैं 40 बंदों का के वोट नहीं दिए थे कि हमने जो 40 बंदे क्या उन्होंने वोट नहीं दिए थे इसके, क्या जो इन्हें नए बंदे लगा दिए वोट उन्हें दिए थे इसके, हमारे चूल्हे बुझा के हमारे बच्चा के गल काट के इन अपने बंदे लगा दिए। हम इनको कहना चाहते हैं भी हमारे हमें ड्यूटी पे लिया जाए और हमारे बच्चों का रोजगार रोटी हमें वापस दिया जाए। हम कहना चाहते हैं अगर भाईचारे से आज की उससे ये हमें ड्यूटी पे रखते तो ठीक है, नहीं तो हम इससे भी भारी आंदोलन रखते। वही सर्व कर्मचारी संघ कमेटी के सदस्य शिवचरण ने बताया कि हमने 8 सितंबर को चेयरमैन डीएमसी और कार्यकारी अधिकारी को नोटिस भेजा था और उससे पहले भी 10 अगस्त को नोटिस दिया गया था, लेकिन अब तक अधिकारियों ने हमारी कोई सुध नहीं ली। और तो और सुरभि गर्ग और उनके ससुर सुरेश गर्ग ने कई सवालों से लगे कर्मचारियों को हटाकर अपने चहेतों को नौकरी दे दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में साफ लिखा है कि बेशक ठेकेदार बदल जाए लेकिन कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। इस नोटिस के तहत चेयरपर्सन से 3 बार बातचीत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी मांग है रात्रि के 65 सफाई कर्मचारी जो 12 कई वर्षों से लग रहे थे और 4 अगस्त को ठेका दे दिया और सुरभि गर्ग ने, चेयरमैन सुरभि गर्ग ने और उसके ससुर सुरेश गर्ग ने अपने चहेते 40 नए कर्मचारी लगा लिए, जबकि 19 नवंबर 20 का लेटर चीफ सेक्रेटरी का है, 4 जनवरी 21 का लेटर लोकल बॉडी कमिश्नर का है कि ठेकेदार बेशक बदल जाए कर्मचारी नहीं टाया जाएगा। उन लेटर के बिहेव पे 3-4 दौर की वार्ता कर ली, लेकिन ये जानबूझ करके अपने चहेतों को रोजगार दे रहे हैं। और ये भी खबर मिली है कि 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया लेके नए कर्मचारी रख लिए। हमारी मांग है के पुराने 65 कर्मचारी को रखो, 7 महीने का वेतन बकाया उनका, ईपीएफए से बकाया ये मिलना चाहिए। हम इनके दरवाजे पाए हैं और लगातार जब तक समाधान नहीं होगा ये नाइट के कर्मचारी इनके दरवाजे पे बैठेंगे। बहरहाल हटाए गए 65 सफाई कर्मचारी फिर से नौकरी पर रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा प्रशासन कब तक उनकी मांगे पूरी कर पाता है या फिर वो यूं ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।